हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि एग्ज़ाम सीज़न ऑन है और हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके मैं मॉडल आंसर जो है डाल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है BBA MCOM एंड MBA को टीच करती हूँ, तो मेरे पास जो एक्सेस है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो पुराने पेपर्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके भी पुराने पेपर के अंदर जो है मैं सॉल्यूशंस बनाऊँ, तो आप मेरी जो है क्वेरीज मैनेजमेंट के अंदर जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो है आप वो अपने पेपर जो है मुझे भेज सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको उसके मॉडल आंसर जो मिल जाएंगे। और ये जो मैं आज लेक्चर डाल रही हूँ, इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग जो है गर्ग शशि blogspot.com पे उसको भी अपलोड कर दिए है। MCOM के अंदर जो हमारे पास पैटर्न है उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन होता है, बी सेक्शन होता है, और सेक्शन सी जो है डेट इज़ कंपलसरी। इसके अंदर 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है करने होते हैं, और ये 30 मार्क्स के होते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो अब हम वन बाय वन करके जो है इसका सोल्यूशन जो है इसका देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है डैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग। देखो, जो विंडो ड्रेसिंग है जनरल मीनिंग है, कोई फनी मीनिंग ये भी हो सकता है, विंडो को ड्रेस कर दो। नहीं, यहाँ पे जब हम विंडो ड्रेसिंग का बात करते हैं तो विंडो ड्रेसिंग के अंदर क्या है कि जो कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी अपीयरेंस को सुधारने की कोशिश करते हैं। देखो, कंपनी जनरली इस विंडो ड्रेसिंग के द्वारा क्या होता है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर मैनिपुलेशन करती हैं और उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं, लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये एक बेसिकली क्या है कि इलीगल होता है, फ्रॉड, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो पर्पज़ होता है इन्वेस्टर्स को मिसलीड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी पोजीशन होती है एक्चुअल पोजीशन नहीं शो की जाती, उसकी विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है। और जैसे कैश है, कैश के अंदर क्या होता है कि देखो, जैसे हमने कैश का बैलेंस जो है बैलेंस शीट के अंदर इंक्रीज़ करना है तो हम अपनी पेमेंट जो होती है वो लेट कर देते हैं, सप्लायर को नहीं करते, तो हमारा बैंक के अंदर जो कैश बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। और उसी तरह जो फिक्स एसेट्स होती हैं जिनकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उनको हम सेल कर देते हैं, ताकि जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनकी जो नेट बुक वैल्यू है वो एक नया, मतलब लगे कि नई एसेट्स का क्लस्टर्स है। तो इस तरह से विंडो ड्रेसिंग करके जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रेसिव जो है शो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पर्पस होता है वो लोगों को मिसलीड करना होता है कि कंपनी जो है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। सेकंड जो है डेट इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। देखो, ट्रेंड एनालिसिस जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक ट्रेंड जो है ये भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये हमें बताता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फ्लक्चुएटिंग है। और यहाँ पर हम परसेंटेज रिलेशनशिप जो है कैलकुलेट करते हैं। और इसका देखो जो प्रोसीजर है, 1 ईयर इज टेकन एज ए बेस, चलिए जो पहला ईयर होता है उसको हम बेस लेते हैं, और बेस ईयर की जो होती है 100 होती है, और वहाँ पर हम ट्रेंड परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। हर एक ईयर की जो फिगर होती है उसको हम बेस ईयर की फिगर के साथ डिवाइड कर देते हैं। अगर देखो 100 से ज़्यादा है तो इट मींस अपवर्ड है, अगर 100 से नीचे है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड है। इसके ऊपर भी जो है मेरी फुल फ्लेज जो लेक्चर अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट आंसर के हिसाब से इसको जो है स्पेसिफाई किया गया है। देखो, यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2008 को जो है बेस ईयर ले लेते हैं, ये 100 है। 2009 का ट्रेंड करना है तो उसको हम 2008 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2010 के अंदर भी हम उसको 2008 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे, 2011 को भी हम 2008 के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि आगे से सेल जो है हमारी पहले से बेटर हो रही है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर क्या है कि देखो, जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, और ये हमारी टोटल सेल है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, उसके ऊपर जो सेल होती है वो हमारी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन सेफ्टी प्रेजेंट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, इसको हम वैल्यू के अंदर ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई PV रेशियो, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
और उसको बाद में सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमने यूनिट्स में निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको हम परसेंटेज ऑफ सेल्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इंटू 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इंटू 100। देखो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली ये हमारी बिज़नेस की साउंडनेस को बताती है, क्योंकि अगर हमारी एक्चुअल सेल जो है ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा गैप है, एक्चुअल सेल ज़्यादा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हायर है तो उसके अंदर क्या है कि अगर हल्की फुल्की सेल रिड्यूस भी हो जाती है तो भी प्रॉफिट कमाते हैं, बट अगर लो मार्जिन सेफ्टी है और अगर थोड़ी सी भी रिडक्शन हो जाती है तो हमें लॉसेज हो सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन इंक्रीज करके कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके कर सकते हैं, और हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को चूज़ करके अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है पहले से बेटर कर सकते हैं। और उसी तरह कॉस्ट असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट असाइनमेंट जो है ये बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर यूज़ की जाती है, ये एक्चुअल में कॉस्ट एलोकेशन ही होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब कॉस्ट हम इनकर करते हैं उसके बाद जो होता है उसको हम जो ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज़ के ऊपर वो कॉस्ट इनकर हुई है वहाँ पे हम उसको एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे जो कॉमन कॉस्ट होती है उसको, जो एक्शन जिसकी वजह से वो कॉमन कॉस्ट इनकर होती है उनको वो ट्रांसफ़र की जाती है, उनको वो असाइन की जाती है। तो कॉस्ट असाइनमेंट जो होती है डैट इज़ बेस्ड ऑन वन मोर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट असाइनमेंट को हम कॉस्ट एलोकेशन भी कह सकते हैं। और उसी तरह देखो जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है इसको हम फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसके द्वारा हम कॉस्ट को पता लगाते हैं। और इसके अंदर देखो ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है यहाँ पे हम वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे जो है कॉस्ट मतलब उसके बेसिस पे हम जो है टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और ये तभी यूज़फुल होती है जब एक प्रोडक्ट होता है कोई इन्वेंट्री नहीं होती, और ओवरहेड रिकवरी जो होती है नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होती है ना कि एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे होती है। और यहाँ पे जब हम जो कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो है सम सूटेबल बेसिस पे, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस कॉस्ट जो है निकालते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बताती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें फंड्स की मूवमेंट के बारे में बताती है, यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ से फंड्स आते हैं और कहाँ पे हम फंड्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है डैट इज़ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो नैरो सेंस के अंदर जो है कैश है, तो यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं। और जो ब्रॉडर सेंस है इसके अंदर सारे फिनेंशियल सोर्सेज जो होते हैं जिनको हम मनी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर सेंस के अंदर जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर जो मूवमेंट होती है डैट इज़ कॉल्ड दी फंड फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे फ्लो का मतलब होता है कि हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट अगर हम लेते हैं तो फ्लो ऑफ फंड का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ फंड्स इन वर्किंग कैपिटल। अगर देखो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो सोर्स है, और अगर डिक्रीज होती है तो वो एप्लीकेशन है। और देखो जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड की मूवमेंट लेते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है करंट एसेट एंड फिक्स एसेट को इफेक्ट करे, अगर दोनों करंट एसेट हैं दोनों फिक्स एसेट है तो वो फंड की मूवमेंट नहीं है। और उसी तरह क्या है कि फिक्स्ड एंड करंट लायबिलिटी है तो फंड की मूवमेंट है, और उसी तरह करंट एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटी की है तो वो मूवमेंट है, बट अगर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है तो वो फंड फ्लो मूवमेंट नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। देखो कॉस्ट ड्राइवर जो है डैट ट्रिगर ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, और ये बेसिकली जो है जिसके बेसिस पे हम ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको असाइन करते हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या रीज़न है जिसके बेसिस पे जो है कॉस्ट को हम इनकर करते हैं, जैसे ये डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क,
नंबर ऑफ कस्टमर्स कॉन्टैक्ट, नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क, कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे क्या होता है कि रिसोर्सेज की कंजम्पशन होती है, जिसके बेसिस पे कॉस्ट जो है इनकर होती है। तो कॉस्ट ड्राइवर का जानना बहुत ही ज़रूरी है जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक बेस्ड कंट्रोल। देखो जो बैलेंस स्कोर कार्ड है डैट इज़ ए स्ट्रैटेजिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है उसको भी जज कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर भी जो है उसके साथ भी लिंक्ड होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन है, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको ऑपरेशनलाइज ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ट्रांसलेट करता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है जो फ्यूचर की है या करंट की है उसको हम चार परस्पेक्टिव के अंदर स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड लर्निंग। इसके अंदर भी जो बैलेंस स्कोर कार्ड का जो फुल फ्लेज लेक्चर है वो भी मैंने डाला हुआ है, आप डेप्थ के अंदर जो है उसको देख सकते हो। उसके बाद है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या होता है कि जैसे देखो एक डिपार्टमेंट जो है अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है, तो इसको हम नेगोशिएटेड भी कह सकते हैं, बार्गेन प्राइस भी कह सकते हैं। यहाँ पे कंसाइनर जो अपना माल जो है कंसाइनी को भेजता है, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट भेजता है उसको कंसाइनर, जिस डिपार्टमेंट को जाती है उसको कंसाइनी कहते हैं। तो यहाँ पे नेगोशिएशन होती है और जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है वही प्राइस जो होती है फिक्स हो जाती है। यहाँ पे नेगोशिएशन के बेसिस पे होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली जो होती है मार्केट प्राइस के आसपास ही होती है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये होता है क्योंकि ये डिपेंड करती है कि कंसाइनर का मैनेजर कितना किसकी नेगोशिएशन स्किल ज़्यादा बेटर है, उसके बेसिस पे जो है ये प्राइस डिटर्मिन होती है। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है इसकी वजह से कई बार। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके ऊपर भी मेरा फुल फ्लेज, ऑलमोस्ट सबके ऊपर ही मेरा फुल फ्लेज लेक्चर डिटेल के अंदर अवेलेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर देखो जो कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है क्रिएट किए जाते हैं, और जो है इट इज़ ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट जो होती है इनपुट होती है, रेवेन्यू जो होता है आउटपुट होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डैट रिकोगनाइजेज द वेरियस डिसीजन सेंटर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और देखो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनपुट कॉस्ट है, आउटपुट रेवेन्यू है, और यहाँ पे प्लान को एक्चुअल के साथ हम कंपेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है डिफरेंट जो सेंटर्स के हेड्स होते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी फिक्स की जाती है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को किस प्राइस के ऊपर माल भेजेगा, और उनकी जो है एक्चुअल और प्लान के बेसिस पे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होती है, देखा जाता है कि ये वहाँ पे रीजंस बताने होते हैं कि किन रीज़न की वजह से क्या है कि प्लान की और एक्चुअल के अंदर डेविएशंस हैं। मास्टर बजट जो है देखो ये समराइज्ड बजट होता है, इसको फाइनलाइज्ड प्रॉफिट प्लान भी कह देते हैं। इसके अंदर जितने भी फंक्शनल बजट्स होते हैं, प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, उन सब का ये समरी बनाई जाती है। ये समरी ऑफ द बजट शेड्यूल होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है, और यहाँ पे एक रिपोर्ट के अंदर जो है समराइज्ड वे के अंदर जो है बजट की फोरकास्टिंग के बारे में बताया जाता है। ये बजट कमेटी के द्वारा बनाया जाता है जो कि फंक्शनल बजट जो होती है उनको कोऑर्डिनेट करके बनाती है, और ये कंपनी के लिए जब अप्रूव होता है तो ये टारगेट बन जाता है जिसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है।